दोस्तों हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कितने सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, चाहे वो लाइट हो, फैन हो, कोई बल्ब हो, एसी हो या फिर टीवी हो। टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से आगे बढ़ती जाती है उतनी ही जल्दी हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान बनती जाती है। हम फैन और लाइट्स के मामले में कभी कभी लेज़ी बन जाते हैं, जैसे कि रात को अगर फैन या फिर लाइट ऑन होता है तो हमको थोड़ा वो आलस लगता है उठ के जाकर उसको बंद करने के लिए, या फिर कई बार हम बाथरूम जब जाते हैं तो वहाँ से जब हम लौट के आते हैं, बाहर आते हैं तो वहाँ पे कई बार हम भूल जाते हैं लाइट्स को बंद करना। वैसे ही हम जब ऑफिस में रहते हैं तो हम घर आके एसी ऑन करते हैं, वहाँ पे 10 या 15 मिनट लग जाता है रूम को कूल होने में। तो कैसा रहेगा अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि अगर आप बाथरूम जाते हो तो वहाँ पे लाइट अपने आप ही ऑन हो जाए, बाहर आने से लाइट अपने आप ही बंद हो जाए। आप अगर घर में होते हो आपको उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है लाइट के जो स्विच है या फिर फैन के जो भी स्विच है उसको ऑन करने के लिए, आप अपने स्मार्टफोन से ही उसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। आप अपने ऑफिस में रहकर ही आप अपने घर के जो भी एसी है उसको आप ऑन कर सकते हो, ताकि आप जब घर जाते हो वहाँ पे आपको इंतज़ार करना ना पड़े 10 या फिर 15 मिनट रूम को कूल होने में। तो आज मैं आप सभी को ये वीडियो पे इसी होम ऑटोमेशन या फिर स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को एडिस ट्यूटोरियल्स पे, आइए जानते हैं। तो होम ऑटोमेशन या स्मार्ट होम का मतलब होता है आपका घर पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाए। तो वहाँ पे आपको और बेड से उठकर फैन या फिर लाइट के स्विच को ऑन या फिर ऑफ करने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्मार्टफोन से ही उसको ऑपरेट कर सकते हो। वैसे ही अगर आप बाथरूम जा रहे हो तो आपको जब बाहर आते हो तो वहाँ से आपको लाइट को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइट खुद ब खुद आप जब अंदर जाओगे बाथरूम के लाइट ऑन हो जाएगी, जब बाहर आओगे वो लाइट अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो वैसे ही जब आपके घर में अगर कोई गैस का लीकेज होता है, आप बाहर होते हो, आपके घर से बाहर होते हो, तो वहाँ पे अपने आप ही आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपके घर में जो है वो गैस जो है वो लीक हो चुका है। तो वैसे ही जब आप ऑफिस में रहते हो तो वहाँ से आप इंटरनेट के ज़रिए ऑपरेट कर सकते हो, अपने घर के एसी को आप ऑन कर सकते हो। तो जब आप घर जाओगे तो वहाँ पे आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है 10 या फिर 15 मिनट वो रूम को कूल होने में। तो बेसिकली ये काम किस तरह करता है, ये सब चीज़ें जो है ये काम किस तरह करता है, तो आपके घर में अगर आप स्मार्टफोन के ज़रिए आप ऑन या फिर ऑफ करना चाहते हो लाइट या फिर फैन, तो वहाँ पे बेसिकली होता ये है कि एक रिले बोर्ड होता है। तो वो जो रिले बोर्ड होता है वो एक चैनल का हो सकता है, दो चैनल का हो सकता है, आठ चैनल का हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, आपको क्या ज़रूरत है आपके लिए, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो वो जो रिले बोर्ड होता है उसमें तीन अलग अलग इनपुट्स होते हैं, ग्राउंड, पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट। तो वहाँ पे जो है आपके फैन और लाइट से जो भी वायरिंग होते हैं, जो स्विच बोर्ड तक जाता है, स्विच तक जाता है, वो जो वायरिंग होता है वो रिले बोर्ड पे कनेक्ट होता है। तो वो रिले बोर्ड के साथ कनेक्ट होने के बाद वही रिले बोर्ड से जो वायरिंग होता है वो कनेक्ट होता है एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ। वो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ज़्यादातर वो यूज़ होते हैं अर्डुइनो या फिर रेसबेरी पाई, तो वो जो होता है वो कनेक्ट होता है वही माइक्रो कंट्रोलर के साथ, और वही जो माइक्रो कंट्रोलर है वो फिर से स्विच बोर्ड के साथ वो कनेक्ट होता है। और ये जो चीज़ें हैं ना ये सर्किट बोर्ड के अंदर ही होता है, आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगा, बाहर से आप जब देखोगे तो वो आपको लगेगा नॉर्मली है क्योंकि बाहर से स्विच बोर्ड तो सेम ही नज़र आता है, लेकिन ये सब चीज़ें वो स्विच बोर्ड के अंदर ही होता है। तो जो माइक्रो कंट्रोलर अटैच होता है रिले बोर्ड के साथ और स्विचेस के साथ, वही माइक्रो कंट्रोलर में एक ब्लूटूथ पेरिफेरल भी होता है। तो वही जो ब्लूटूथ पेरिफेरल होता है वो कम्युनिकेशन के लिए लिया जाता है काम में, ताकि वो आपके स्मार्टफोन के साथ कम्युनिकेट किया जा सके। तो वही आपके स्मार्टफोन के पास ही आपके स्मार्टफोन में एक ऐप डिज़ाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा। तो वो जो होता है वो ऐप डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे अलग अलग बटन्स होते हैं, लाइट्स के बटन या फिर फैन के बटन। तो जब भी आप सपोज लाइट का बटन क्लिक करते हो वो स्मार्टफोन पे, तो वो क्या होता है, तो वो जो होता है रेडियो सिग्नल सेंड करता है वो जो भी डिवाइस का जो ब्लूटूथ पेरिफेरल जो होता है जो अटैच होता है माइक्रो कंट्रोलर के साथ, उस तक वो रेडियो सिग्नल सेंड करता है। उसके बाद वो जो रेडियो सिग्नल होता है वो पेरिफेरल डिवाइस क्या करता है, ब्लूटूथ डिवाइस, वो माइक्रो कंट्रोलर को फिर सिग्नल सेंड करता है। माइक्रो कंट्रोलर एक 5 वोल्ट का जो वोल्टेज होता है वो सेंड करता है रिले बोर्ड तक, ताकि आप जब लाइट का स्विच जब ऑन करोगे स्मार्टफोन पे, तो वो करंट
वो स्विच बोर्ड तक चला जाएगा वहां से रिले बोर्ड से, तो लाइट अपने आप ही ऑन हो जाएगा। तो वैसे ही जब आप लाइट को बंद करना चाहते हो तो जब आप स्विच पे क्लिक करोगे, लाइट ऑफ के स्विच पे क्लिक करोगे, तो वो ब्लूटूथ डिवाइस क्या करेगा, वो सिग्नल सेंड करेगा, फिर रिले बोर्ड जो है वो 0 वोल्ट का वोल्टेज सेंड करेगा वो सर्किट तक, जिससे क्या होगा करंट फ्लो नहीं होगा और वो लाइट जो है वो बंद हो जाएगा वहां से। तो ये ऐसे ही ये सब काम करता है। यही सेम चीज जो होता है वो बाथरूम में भी यूज होता है। बाथरूम में क्या होता है, जब आप जाते हो वहां पे तो वो एक सेंसर वहां पे लगा होता है, उसको PIR सेंसर बोलते हैं। तो वो एक्चुअली डिटेक्ट करता है जब आप अंदर जाओगे तो वो आपके मूवमेंट को वो डिटेक्ट करता है। तो इसका खासियत यही होता है, जो PIR सेंसर होता है वो क्या होता है ना, इसमें एक पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर लगा होता है। तो जो पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है वो क्या करता है ना, वो एनर्जी को रिलीज करता है जब भी वो हीट के सामने एक्सपोज हुआ है। तो अगर कोई इंसान उसके सामने जाता है तो वो उसको डिटेक्ट करता है, उसके मूवमेंट को वो सेंसर डिटेक्ट करता है, क्योंकि इंसान जो होता है वो हीट एनर्जी को रेडिएट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन के जरिए। तो वो सेंसर उसको डिटेक्ट करता है, और वही जो होता है PIR सेंसर, उसके आगे एक फ्रेजनल लेंस होता है, वो क्या करता है, वो जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है वो उसको पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर तक वो उसको पहुँचाता है, फोकस करता है, ताकि वो मूवमेंट को डिटेक्ट कर सके। तो वो जो PIR सेंसर होता है वो वैसे एक आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड होता है, और वही एक बल्ब के साथ कनेक्टेड होता है, ये भी एक सर्किट के अंदर ही होता है। तो जब आप उसके सामने जाते हो तो वो PIR सेंसर उसको डिटेक्ट करता है, और एनर्जी जो आपसे रिलीज होता है वो उसको डिटेक्ट करता है, और माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो फिर बल्ब को सिग्नल सेंड करता है, फिर बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है वहां पे। तो वैसे ही जब आप बाथरूम के बाहर चले जाते हो तो क्या होता है, PIR सेंसर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज सेंड नहीं होता है वही बल्ब तक, जिसके जरिए जिस वजह से वो जो बल्ब होता है वो वहाँ पे ग्लो नहीं करता है। तो ये जो होता है ये ऑटोमेटेड होता है। तो ये एनर्जी सेविंग के लिए बहुत अच्छा है, बड़े बड़े कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये यूज होते हैं, ताकि बड़े बड़े जो कॉरिडोर्स होते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट जो होता है वो जब आप जाओगे तभी ऑन होगा, वहाँ पे पास होने के बाद वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो ये एनर्जी सेविंग के लिए बहुत अच्छा है। वैसे एसी में भी यही सब टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, जैसे कि एसी में आर्डुइनो जो होता है वो माइक्रो कंट्रोलर वहाँ पे फिट होता है, और वहाँ पे जो है प्रोग्राम्स लिखा जाता है एसी के लिए, ताकि इंफ्रारेड कमांड्स को वो वहाँ तक सेंड कर सके। फिर जो आर्डुइनो और एसी होता है वो वेब में उसको पुट किया जाता है, तो वो डिपेंड करता है राउटर से राउटर के ऊपर। लेकिन जनरली क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है जो आर्डुइनो को वेब सर्वर के आईपी एड्रेस को, उसके बाद उसके गेटवे के आईपी एड्रेस को आपको डिटरमाइन करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, फिर आपको ब्राउजर से आपके राउटर का आईपी एड्रेस देना होता है और क्रेडेंशियल्स देना होता है। तो इसके जरिए आप लोकल नेटवर्क के बाहर भी आप ऑपरेट कर सकते हो आपके एसी को, बस आपको आपके ADSL कनेक्शन के जो पब्लिक IP है उससे ब्राउजर को खोलना होता है। तो इससे आप बाहर रहकर भी आप अपने AC को कंट्रोल कर सकते हो। गैस डिटेक्शन में भी इस तरह काम करता है। सपोज आप अपने घर पे नहीं हो और गैस लीकेज होता है तो आपके मोबाइल पे वो मैसेज चला जाता है। ये किस तरह होता है, एक MQ5 सेंसर होता है, वो जो सेंसर होता है वो आपके किचन में होता है, तो वो क्या करता है, जो भी पेट्रोलियम बेस्ड लीकेज होता है वो उसको डिटेक्ट करता है। तो वो जब भी कोई लीकेज होता है वहाँ पे, वो जो MQ5 सेंसर होता है वो आर्डुइनो के साथ कनेक्टेड होता है, और आर्डुइनो के साथ एक GSM मॉड्यूल होता है, वहाँ पे सिम कार्ड यूज़ होता है वहाँ पे, तो वो GSM मॉड्यूल वहाँ पे कनेक्टेड होता है, जिसके साथ एक सायरन भी कनेक्टेड होता है। तो सपोज वहाँ पे कोई लीकेज हुआ और आप घर पे नहीं हो, तो वो जो लीकेज होता है वो जो MQ5 सेंसर होता है उसको वो डिटेक्ट करता है, उसके बाद आर्डुइनो को वो सिग्नल सेंड करता है, जिस वजह से क्या होता है ना, वो GSM मॉड्यूल में आपका नंबर फीड होता है, तो वो उसको सिग्नल सेंड करता है और GSM मॉड्यूल आपके मोबाइल पे मैसेज भेजता है कि वहाँ पे आपके घर में जो है वो गैस का लीकेज हो चुका है, और सायरन भी वहाँ पे बजता है। तो वैसे आपको पता चल जाता है कि आपके घर में गैस का लीकेज हुआ है। तो ये जो होता है होम ऑटोमेशन, ये ज़्यादातर सेंसर्स का काम होता है। अब होम ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज यूज़ होते हैं, लेकिन जो कॉमन होता है वही मैं आपके सामने बताया। वैसे तो होम ऑटोमेशन जो है ये बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज अपने वेबसाइट्स पे पैकेज पे तौर पे भेजते हैं, उनके रेट्स होते हैं। तो अगर आप अपने घर को होम ऑटोमेटेड बनाना चाहते हो तो उनके रेट्स देखकर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके आपके घर को होम ऑटोमेटेड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और वैसे भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो इसको प्रोजेक्ट के तौर पे लेके छोटे छोटे होम ऑटोमेटेड चीज़ें बनाते हैं। फैन या फिर लाइट्स को वो स्मार्टफोन के जरिए वो ऑपरेट करते हैं, छोटे छोटे चीज़ें बनाते हैं,
लेकिन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स इन सब चीज़ों का ज़रूरत है, इसलिए एक आदमी इसको शायद नहीं कर पाएगा, तो इनके लिए एक टीम चाहिए। तो इसको जो है, इसलिए कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज जो है इसको वो एक पैकेज के तौर पे वो देते हैं लोगों को। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होम ऑटोमेशन के बारे में, स्मार्ट होम के बारे में किस तरह ये काम करता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने मेरे ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।